मुंडा पांडे ग्राम कतोरा प्रधान कमलेश देवी के पति वीरपाल सिंह द्वारा मंडलायुक्त कार्यालय पर अपना एक शिकायती पत्र दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि ग्राम कतोरा के नवीन पड़ती ग्राम समाज आदि की भूमि को दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दर्जनों अवैध कब्जेदारों से कब्जा मुक्त कराने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थना पत्र पर संबंधित अधिकारी, लेखपाल, चकबंदी अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, वे भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा गया है कि ग्राम कतोरा विकासखंड मुंडा पांडे की ग्राम समाज की जमीन को जल्दी कब्जा मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। पूछने पर प्रधान पति वीरपाल सिंह ने बताया कि वे कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। आज वे मंडलायुक्त कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि जी, क्या समस्या आपकी, क्यों आए आप यहाँ पे मंडल आयुक्त के पास? सर, ये है कि साहब, ग्राम समाज की जमीन है हमारे गांव में 250 बीघा, जो खाली पड़ी चकबंदी अधिकारी ने उसे ना पैमाइश नहीं की और ना ही उसको चिन्हित किया, और अवैध कब्जेदारों के कदमों में तो कब्जे में छोड़ कराया चकबंदी वाले। इसका प्रार्थना पत्र हमने SDM महोदय को दिया। SDM महोदय ने कमेटी बनाई चकबंदी अधिकारी मुराबाद की अध्यक्षता में, जिसमें एक कानी बोर्ड, एक नायब तहसीलदार, एक लेखपाल, सभी की संयुक्त कमेटी बनाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी गांव में स्थलीय पैमाश करने के लिए नहीं पहुँचा है। और लेखपाल अनिल कुमार शर्मा गांव में ऐसा राज्य माहौल बना रहे हैं, इस मामले में विवाद हो जाए और पैमाश ही ना हो सके। कौन लोग हैं वो जो कब्जा कर रहे हैं? गाँव के ही साहब सरजीत शर्मा हैं, भोरी लाल हैं, केसर अली हैं और अजीत शर्मा हैं, बहुत से लोग हैं जो दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, भनाट लोग हैं। से हमें भी भय है कि हमारे साथ कहीं अनहोनी न कर दें। तो आपने शिकायत करी इसकी कहीं पे? सचिन साहब के यहाँ करी, DM साहब के करी। आज कहाँ पे आए आप? आज कमिश्नर साहब के आए। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि इसको हम तुरंत करवाते हैं, तत्काल आदेश करा रहे हैं।